आज जिस वीडियो को हम रोस्ट कर नहीं रोस्ट नहीं कर रहे क्योंकि मैंने इस बच्चे से इजाजत दी कि मैं क्या तुम्हारी वीडियो के ऊपर रोस्ट बना सकता हूँ, इस बच्चे ने मुझे मना कर दिया। बच्चे यस हाँ, आज एक वीडियो ऐसी देखेंगे जिसको हम रिव्यू करेंगे और रिएक्ट करेंगे सिर्फ एक वीडियो पे जो कि एक 18 साल के लड़के ने बनाई है। और उसका जो उसने टॉपिक रखा है वो ये रखा है कि हाउ कैन यू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस एट द एज ऑफ 18। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा जाके देखते हैं इस वीडियो को कि उसने 18 साल की उम्र में ऐसा क्या कर लिया कि वो बिजनेसमैन बन गया और हम उसकी डबल ऑलमोस्ट रीच हो गए और उसके बारे में कुछ नहीं मतलब घंटा नहीं उठा पाया। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट, ठीक है, उस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू के कुछ सेकंड मैं जो है वो ख़त्म कर दूंगा, वाइप कर दूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि उसके अंदर द बॉय इज जस्ट यू नो टेलिंग अस कि उसने किस तरीके से यू नो इंटरनेट के ऊपर आके धूम मचा दी। उसमें दो चार उसने वीडियो क्लिप डाली हुई पॉल ब्रदर्स से इंस्पायर होके कि ये उसने गाड़ी के ऊपर स्टिकर चिपका दिया तो बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया और दोस्त की घड़ी पुल के नीचे से फेंक दी, गाड़ी की स्किट मार दिया और दो चार सूट पहन के तस्वीरें खिंचवाई न्यू मूव बना के। द टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो हमारे तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। अच्छा, अभी तकरीबन 48,000 है तो मैंने शायद थोड़ा ओखा काम कर दिया बोल के, मगर माय नेम इज़ अबुल मलिक एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ आई एम रनिंग माय बिजनेस एट द एज ऑफ 18। जिनको नहीं पता था मैं 18 साल का हूँ और ये वीडियो मैं बहुत छोटी रखूंगा ताकि जो लोग देखना चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में मेरी जर्नी को समझ सकें। एंड वॉट माई मेन गोल विद दिस वीडियो इज कि मैं किसी को इस वीडियो के साथ इंस्पायर कर सकूँ कि अगर उसके अंदर भी ये चीज़ है तो ये कर सके थ्रू माई जर्नी। मेरे बिजनेस के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा यूट्यूब चैनल था, क्योंकि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो आप मार्केट की तरफ जाते हो, जब आप यूट्यूबर होते हो तो मार्केट ऑलरेडी आपके पास होती है। अभी तक आप लोग ने अगर इसको नहीं देखा हुआ या आप इसको नहीं जानते तो जस्ट टू बी क्लियर, ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा वायरल बन रहा है, मतलब सुपर वायरल। इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने मिस कर दिया, बट आई वांट टू शो इट टू यू गाइस, ही इज़ सुपर वायरल। माय फर्स्ट वीडियो गोइंग एब्सोल्युटली वायरल। लेट्स जस्ट सी हिज वायरल वीडियो जो एब्सोल्युटली वायरल की जरा एक चेक इन जाके। मैंने ये रियलाइज किया कि फैंस बहुत ज्यादा आपकी तरफ आने लगते हैं। क्या बात है, मैं भी जाता मेरे फैन ना टॉर्च पर के मेरे मुंह पे मारे फैन, आई एम योर फैन। अभी जो फैंस इतने अच्छे मकदार में आने लग गए जिनसे हमारे एक बॉन्ड डेवलप हुआ, अभी जो ये बंदा ये वीडियो देख रहा है जो तुम अभी देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट 3 महीने सिर्फ सोचता रहा कि मैं करूं क्या। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है, हम लोग जब भी कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि यार इसको कैसे करें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस आइडिया को कम्प्लीटली स्क्रैप करूंगा और जो मेरा अगला आइडिया होगा उसके अंदर कौन सा आइडिया। अच्छा, मगर टी शर्ट्स बनानी तो कैसी बनानी है। थिंग इज, जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपको हमेशा पता नहीं होता कि किस तरह का प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है। आई वॉन्टेड टू मेक अ स्टोर जो क्वालिटी और ट्रस्ट के बेसिस पे कम्प्लीटली चलेगा, जिसमें अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करोगे तो 100% पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी आपके घर पे आके डिलीवर होगी और आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आई केम अप विद द किंग्स डेन। किंग्स डेन क्यों और शेर का लोगो, मेरे दिमाग में एक बहुत मजे की चीज है कि द लाइन इज द सिंबल ऑफ क्वालिटी एंड दिस स्टोर इज द किंग्स डेन। द लाइन इज द सिंबल ऑफ क्वालिटी, नो नो, लाइन इज नॉट अ सिंबल ऑफ क्वालिटी, लाइन इज अ सिंबल ऑफ करेज, ताकत, पावर। अपनी मर्जी से कुछ भी बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी बना सकता हूँ, तो दिस माउस इज अ सिंबल ऑफ सर्प एक्सल। फ्री एंड से फेस का किया है, ये फेस है कर ये, दिस इज द फेस। हेलो ब्रो भाई, वही फेस मैं कह रहा था। इसके हिसाब से इसने बहुत ही कोई आला वो लोगो सोच लिया और बहुत ही अच्छा जुमला बनाते हैं, सिंबल ऑफ क्वालिटी। सो आई केम अप विद एन आइडिया कि मैं एक बाहर से शर्ट खरीदूंगा उस पर अपना लोगो लगाऊंगा एंड आई एम गोना कॉल इट कुत्ते का पैर। डन क्यों और शेर का लोगो, मेरे दिमाग में एक बहुत मजे की चीज है कि द लाइन इज द सिंबल ऑफ क्वालिटी एंड दिस स्टोर इज द किंग्स डेन। देख रहे हो फिर भाई, तो कुत्ते का पैर क्यों और क्यों कुत्ते की शक्ल का लोगो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आईडिया है कि देखो डॉग इज अ कुत्ता एंड हिज सन इज अ पैरा। देख रहे हो, देख रहे हो।
एक मैन्युफैक्चरर से मेरी बहुत अच्छी तरह बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि आपके पास टी शर्ट्स अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हैं? सिस्टम ये है ना, ऐसी ऐसी टी शर्टें भेजेंगे ना आपको कि आप परेशान हो जाओगे। तीन कलर में लॉन्च करूंगा, नेवी ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। तो मैंने तीनों के सैंपल का ऑर्डर दिया उस बंदे को कि यार तुम तीनों टी शर्ट्स का सैंपल मुझे भेजो, मैं देखूं कैसी है और फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूं। अब जब उसने वो तीनों टी शर्ट्स भेजी तो मैंने देखा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसने तीन टी शर्ट्स मंगवाई सैंपल के तौर पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, वो मंगा के इसने देखी, इसने बोला क्वालिटी सबकी मुख्तलिफ थी, इसने बोला दोबारा भेजो, एक महीने बाद उन्होंने दोबारा भेजी। इसने सोचा कि पैसे ट्रांसफर करने से पहले यानी डील मटीरियलाइज करने से पहले मैं उसको धो के देख लेता हूँ। इसने धो के देखी तो उसके अंदर से जो है वो रंग निकलने लग गया और उसको बहुत तकलीफ हुई, पूरा बैच ज़ाया हो गया। अब जो कपड़ों का लॉस मुझे फेस हुआ वो तो हुआ, कपड़ों का लॉस फेस नहीं हुआ, तो मैं कोई कपड़ों का लॉस फेस नहीं हुआ, तीन सैंपल टी शर्टें मंगवाई थी उसमें कौन सा लॉस फेस होता है? लॉस फेस हुआ, मगर मेरी ऑडियंस को भी फेस हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस तैयार थी कि अहमद के कपड़े लॉन्च होने वाले, हम खरीदेंगे, एंड वो नहीं हो सके। मैं भी बहुत इंतजार में था कि अहमद भाई के कपड़े लॉन्च होंगे, तो मैंने ईद पे अहमद के कपड़े पहनने बनाने। मैं सिंपल बताऊंगा कि बड़े परेशानी में गुजरे। उसी वक्त मुझे मैसेज आता है किसी और मैन्युफैक्चरर का जो कि सियालकोट में, एंड उसने कहा कि यार आपने अगर लॉन्च करना है आप हुडीज लॉन्च करो। मैंने कहा यार ये तो बहुत बेहतरीन है। मैंने उस बंदे को कहा कि आप अपनी एक हुडी मुझे भेजें, और जब वो हुडी आई और मैंने पहनी, ये क्या और मिला की तरह, तो मतलब कौन दिखाता है हुडी इस तरह से पहन के? यार जो मैंने लॉस फेस किया अब मैं उसको अपने प्रॉफिट में तब्दील कर सकता। कोई लॉस फेस नहीं किया, एंड के हुडीज पहने, मगर हमारा हुडी जो ये था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट हुडीज दैट आई हैव एवर सीन। इसका हुडी क्या है? मैं तो पहले इसमें एक आईडिया है, चेन बनाऊंगा, चेन नहीं बनाएगी, टी-शर्ट बनाऊंगा, एक फेलियर आया इसने वो भी छोड़ दिया, किसी ने बोल दिया हुडी बना लो, जैसे बोला हाँ हुडी बना लेता हूँ, और अब कोई किसी और की हुडी है जिसके ऊपर ये लोगो चिपका रहा है लेकिन ये बोल रहा है हमारी हुडी। ठीक है भाई, ये बिजनेस है तो ठीक है, मतलब आई एम इंटरेस्टिंग इन नोइंग कि इसके पास एक पैसा कहाँ से आया इसको, मतलब इन्वेस्ट करने का, ये लोगों के इस्तेमाल के लिए, ये वेबसाइट कौन सी चला रहा है, लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल हो रही है। अभी तक वीडियो ऑलमोस्ट 5 मिनट की हो गई है, 2 मिनट की रह गई है, इसने ब्रैग और फ्लैक्स करने के अलावा कुछ भी नहीं करके दिखाया। इसने अभी तक ये बताया कि हाउ इज ही रनिंग दिस सक्सेसफुल बिजनेस, ऑर्डरिंग क्लोथ्स फ्रॉम योर फेवरेट ब्रांड एंड दे एंड अप अराइविंग लाइक दिस। ये सब तो चलते रहेगा, मगर दिस इज हाउ किंग्स डेन अराइव्स। This is how King's Den arrives. क्या आपने King's Den से पार्सल मंगाया? हाँ जी, मैंने मंगाया। जी, अरे। हम ठीक करते हैं। क्या है मतलब? ठीक करते हैं। क्या बताऊं? आ जाइए आपके भाई को मैं नाम व्लॉग्स की तरफ से ये मर्च, तो जाओ सीधा उनके इंस्टाग्राम किंग्स डेन पे जाके फॉलो करो। एक ही बंदा है इसके पास, स्टार्टिंग में भी बंदा इसकी तारीफ कर रहा था, इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट भी इसी के हैं, और पता हमने लोगों को अपनी मतलब हुडीज भेजी। ठीक है, अच्छी बात है, आप भेजते हो, आप बेचते नहीं हो इनिशियली, आप इन्फ्लुएंस वगैरह इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को ये चीज़ें देते हो ताकि वो आपका मतलब एडवर्टीजमेंट करें आपके लिए, जो भी करना है खैर करें, बहुत अच्छी बात है भाई। इसका सारा हमारी स्वेट शर्ट्स आई हैं, हमारे ब्रेसलेट्स हैं, हमारे स्कार्व्स हैं, ऐसे कि तुम लोग पागल हो जाओगे। और मैं अगर मैंने इसके कपड़े ले लिए और आपने इसके अगर चीज़ें खरीद ली तो आप पागल हो जाओगे, सीरियसली पागल हो जाओगे। माय, मैं तुम्हारे लिए किंग्स डेन लाया। क्या हो गया?
मारे क्या हो गया? बस 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 क्या हो गया? ये लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट भी लाया किंगस्टन का। भाई That let's just end this right now. This is not a roast. This is just me reviewing something. और ये बच्चे के views हैं यार, मतलब already 60,000 subscribers हैं और views आ रहे हैं, तो there is no hate needs to be routed toward this guy. देखते हैं वैसे मेरे 250 लोगों को कौन जाके इसको तंग करेगा, कोई तंग नहीं करेगा, खत्म करो।